संकट के बावजूद अब से कुछ ही देर में भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला जाएगा दूसरा T20 इंटरनेशनल। इस मैच से जुड़ी शो के दौरान मैं आपको सारी अपडेट्स देने वाली हूं, लेकिन शुरुआत करेंगे हम हमारी टॉप 20 स्पोर्ट्स स्टोरीज से। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में अपने दूसरे ग्रुप मैच में दुनिया की 34वें नंबर की हांगकांग की प्लेयर को हराया। सिंधु 35 मिनट चला मुकाबला 21-9, 21-16 से जीती। सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से भिड़ेंगी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में ब्रिटेन की महिला हॉकी टीम ने भारत को 4-1 से मात दी। आर्चरी में दीपिका कुमारी लगातार 2 जीत के साथ अंतिम 16 में पहुंची। दूसरे मैच में दीपिका ने अमेरिका की 24वीं वरीयता प्राप्त जेनिफर मुसीनो फर्नांडिस को 6-4 से हराया। तरुणदीप राय आर्चरी के राउंड ऑफ 64 जीतने के बाद अगले राउंड में हारे। तरुणदीप शूट ऑफ में इसराइल के खिलाड़ी के खिलाफ दूसरा एलिमिनेशन मैच 5-6 से हार कर बाहर हो गए। वहीं तीरंदाज प्रवीण जाधव भी दूसरे राउंड में बाहर हो गए। बॉक्सर पूजा रानी मेडल से एक कदम की दूरी पर हैं। अल्जीरिया की बॉक्सर इचरक चैब को हराकर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंचते ही मेडल पक्का हो जाता है। कल भारत की लवलीना बोरगोहेन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। रोइंग में अरविंद सिंह और अर्जुन लाल सेमीफाइनल बी में पहुंचे। लाइट वेट पुरुष डबल्स कल के सेमीफाइनल में अरविंद सिंह और अर्जुन लाल की जोड़ी छठे स्थान पर रही। अब ये दोनों सेमीफाइनल बी में हिस्सा लेंगे, जो कि 7 से 12 रैंक पर रहने वाले खिलाड़ियों का फैसला करेगी। सेलिंग में भारत के गणपति केलपांडा और वरुण ठक्कर चौथी रेस में 19वें स्थान पर रहे। अब वो कुल मिलाकर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर 12 रेस होनी है, जिसके बाद टॉप 10 खिलाड़ी मेडल रेस में हिस्सा लेंगे। अगली 2 रेस कल होंगी। ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीदों में से एक पहलवान विनेश फोगाट फ्रैंकफर्ट से टोक्यो के लिए उड़ान नहीं ले पाई, क्योंकि उनके यूरोपियन संघ के वीजा की अवधि एक दिन पहले ही खत्म हो गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ के सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और विनेश जल्द टोक्यो पहुंच जाएंगी। टोक्यो ओलंपिक में एक अजीबोगरीब वाक्य सामने आया। मोरक्को के मुक्केबाज यूनस बल्ला ने शुरुआती मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी न्यूजीलैंड के बॉक्सर डेविड न्याका के कान को काटने की भरपूर कोशिश की। बावजूद इसके बल्ला को 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं अपना पहला ओलंपिक खेल रहे न्याका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। ओलंपिक की मेडल टेबल में 21 मेडल के साथ जापान आज पहले नंबर पर पहुंच गया। दूसरे पायदान पर चीन और तीसरे पर अमेरिका है। भारत एक सिल्वर मेडल के साथ 42वें नंबर पर है। सिर्फ 63,000 की जनसंख्या वाला बरमूडा ओलंपिक गोल्ड जीतने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया है। बरमूडा की फ्लोरा डफी ने ट्रायथलन इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 33 साल की फ्लोरा डफी का ये चौथा ओलंपिक था। उन्होंने 56 एथलीट्स को पीछे छोड़ते हुए 1 घंटे 55 मिनट 36 सेकंड में टास्क पूरा किया। दुनिया की बेस्ट जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने फाइनल मैच से ठीक पहले मेंटल हेल्थ की वजह से अपना नाम वापस ले लिया। अमेरिका की 24 साल की स्टार जिमनास्ट को इस खेल की महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। बाइल्स 4 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। वो 5 वर्ल्ड ऑलराउंड खिताब जीतने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे खिलाड़ियों के लिए 70 भाषाओं में हेल्पलाइन चला रही है IOC। ये हेल्पलाइन ओलंपिक खेल खत्म होने के बाद भी 3 महीने तक अपनी सेवाएं देती रहेगी। ओलंपिक में कल भारतीय मेंस हॉकी टीम की टक्कर अर्जेंटीना से। क्वार्टर फाइनल में सीधे पहुंचने के लिए जीत जरूरी। इसके अलावा बॉक्सिंग में मैरी कॉम प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वैलेंसिया से भिड़ेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल ने व्यूअरशिप के मामले में पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनल मैच को टीवी पर 9,90,00,000 लोगों ने देखा। ये मैच साल 2018 के बाद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टेस्ट मुकाबला बन गया है। श्रेयस अय्यर ने IPL से पहले बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चोट की वजह से अय्यर लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं और IPL के दूसरे लेग में अय्यर खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप की टीम में दावेदारी पेश करेंगे। इंग्लैंड में टीम इंडिया की अनोखी फील्डिंग ड्रिल दिखी। कैच द बॉल ऑन आवर आइदर हैंड एंड यू हैव टू थ्रो विद द ऑपोजिट हैंड एंड इफ यू गेट टच यू आर आउट एंड यू हैव टू हैव 7 पासेस एंड द बॉल हैज हैड टू स्टॉप इन द मिडिल वेयर द कॉर्न वेयर। डरहम में टीम इंडिया कल इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज से पहले ये दूसरा अभ्यास मैच है। इस मैच में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे खेलेंगे, जो चोट की वजह से पहला मैच नहीं खेले थे।
स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट में जबरदस्त पारी खेली। स्मृति मंधाना ने साउदर्न ब्रेव की तरफ से खेलते हुए वेल्स फायर के खिलाफ 39 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाए। पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए। कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कल सस्पेंड हुआ दूसरा T20 मैच आज रात 8 बजे से कोलंबो में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 कल होगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा ये दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच। से जुड़ी क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है वो आपको बता देती हूँ। शिखर धवन की कप्तानी में आज भारत श्रीलंका के खिलाफ ये दूसरा T20 मैच खेलने वाली है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव कृणाल पांड्या के संपर्क में जो 8 खिलाड़ी आए आज वो मैच का हिस्सा नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ और ईशान किशन आज नहीं खेलेंगे। दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम को भी आइसोलेशन में भेज दिया गया है। ऐसे में टीम इंडिया के सामने मजबूत प्लेइंग 11 बनाने की एक बड़ी चुनौती है। श्रीलंका दौरे पर कुल मिलाकर 20 खिलाड़ी गए हैं, जिसमें से 9 बड़े खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। तो दौरे पर गए 4 नेट बोलर्स को भी आज टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला जो है वो कल होगा बिना किसी ब्रेक के। इस मैच से भी बड़े खिलाड़ी बाहर ही रहेंगे। तो इसी सब के चलते दो बड़े सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला ये कि खिलाड़ियों की जान खतरे में डालकर भारत श्रीलंका की सीरीज आखिर क्यों हो रही है? क्या ये बेहतर नहीं रहता कि इस सीरीज को ही यहां पर कैंसिल कर दिया जाता? अगर सीरीज खेलने से इंडिया मना कर देता तो ज्यादा नुकसान किसका होता? क्या उस नुकसान से बचने के लिए BCCI और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि नेट बोलर्स ही सही, लेकिन हम सीरीज पूरी करवाएंगे। आज और कल दो T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मेरे साथ अब वाह क्रिकेट में जुड़ रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर GS विवेक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विजय लोकपल्ली और साथ ही हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अतुल वासन। अतुल, आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं मैं। क्या जरूरी है इस सीरीज को कराना? क्या आपने प्लेयर्स को और दूसरी टीम के भी प्लेयर्स को खतरे में डाल के ये सीरीज आगे बढ़ाना जरूरी था? क्यों इसे हम यहीं पर कैंसिल नहीं कर देते, दोनों बोर्ड आपस में डिसाइड कर लेते कि आगे कभी खेल लेंगे ये दो T20 मैच? देखिए, बड़ा मुश्किल काम है ये सवाल। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या जरूरत है ओलंपिक्स कराने की इतनी प्रॉब्लम में, पर फिर भी हो रहा है क्योंकि देखिए खिलाड़ियों के जो इतने साल तैयारी करते हैं उनका अगर ये मिस हो जाए। और चलिए, मैं ये तो अनफेयर कंपैरिजन है अतुल। नहीं, अनफेयर ये, ओलंपिक्स तो 4 साल में होते हैं एक बार। ये देखिए न्यू नॉर्मल है, अगर ऐसे करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, आपको घर पे बैठना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रही है, तो कुछ ना कुछ आपको मिटिगेट करना पड़ेगा क्योंकि आप बंद नहीं कर सकते। अब आपके पास अगर नेट खिलाड़ी है, पर ये बात भी है कि इतने सारे खिलाड़ी होने इंडिया के लिए हो जाएंगे तो सबको फिर अब आपको Tier 1 Tier 2 में रखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे। ये बोर्ड कैसे करेगा क्योंकि अब बड़ी टीमें जो है वो दो दो टीमें रखा करेंगी और अतिरिक्त खिलाड़ी जाएंगे। तो ये न्यू नॉर्मल है, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती ऐसे चलाना पड़ेगा। बंद करने से रेवेन्यू का लॉस है, क्रिकेटर्स नीचे से जो पैसा आता है वो नीचे नहीं पहुंचेगा, तो नई ब्रीड जो है नया टैलेंट नहीं आएगा। चलिए, तो मैं विजय से पूछ लेती हूँ। विजय, आप सहमत हैं अतुल के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये न्यू नॉर्मल है, इसी के साथ हमें रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा और हो सकता है कि आने वाली सीरीज में और ज्यादा एक्स्ट्रा खिलाड़ी लेकर कोई भी टीम ट्रैवल करे? थोड़ी बहुत तो मैं अतुल से एग्री करूंगा, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको 5th string या 6th string टीम खिलानी पड़ेगी, वो तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे नहीं होता है, आपको आपने जो सीरीज करी है उसका मतलब ये है कि आपको आपने जिस ढंग से सीरीज ऑर्गेनाइज की थी वो इसलिए की थी कि श्रीलंकन बोर्ड को आपको थोड़ा रेवेन्यू से हेल्प करना था और एक स्लॉट था अवेलेबल आपको, इसलिए आपने किया। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये जो है ये बायो बबल कैसे ब्रीच हुआ है, ये जो खिलाड़ी हैं इनमें से कौन सा एक खिलाड़ी जो लेकर आया है जो पॉजिटिव टेस्ट हुआ, कैसे हुआ, और भी तो खिलाड़ी थे वहाँ पे। ये सबसे मेन मुद्दा ये है कि आप ये पहले देखें कि ये बायो बबल ब्रीच हुआ कैसे, तभी तो ये सिचुएशन आई है कि आपको नेट बॉलर्स खिलाने पड़ रहे हैं। अब आज हालत ये है, नेट बॉलर्स से आप टीम को आपको नेट बॉलर्स नेट बैट्समैन रखने पड़ेंगे। इंग्लैंड में भी यही हाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा और IPL में भी ये हो, अभी आने वाले टाइम में देखिएगा आप सब रिजर्व प्लेयर रेडी रहेंगे खेलने के लिए। तो ये ठीक है, नया न्यू नॉर्मल मैं मान सकता हूँ अतुल, लेकिन जैसा ओलंपिक्स में मैं कंपेयर नहीं करूँगा। ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होता है
और वो बहुत जरूरी था करना क्योंकि उसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं। और वो एक साल के डिले के बाद इस बार खींचतान करके टोक्यो ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं भी उस कंपैरिजन से सहमत नहीं हूँ। लेकिन आप दोनों के पास दोबारा आऊंगी और विवेक को भी लाएंगे डिबेट में, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि टीम इंडिया के सामने आज मजबूत प्लेइंग 11 चुनने का भी संकट है, क्योंकि कृणाल पांड्या के कोरोना से संक्रमित होने के बाद कई बड़े खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। आज कौन खेल सकता है, ये संभावित टीम हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, कप्तानी करेंगे शिखर धवन ही, देवदत्त पाडिकल और ऋतुराज गायकवाड़ उसके अलावा संभावित प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। नीतीश राणा, मनीष पांडे और संजू सैमसन मिडल ऑर्डर में आपको आज टीम इंडिया में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के खिलाड़ियों की, तो भुवनेश्वर कुमार, चेतन सकारिया और नवदीप सैनी ये हैं हमारे संभावित प्लेइंग 11 में। और इनके अलावा भी आप राहुल चाहर और वरुण चक्रवर्ती को आज के मैच में देख सकते हैं। तो विवेक, ये देखिए कि किस तरह का समय आ गया है, आपको अपने नेट बॉलर्स को भी आज अपने प्लेइंग 11 में उतारना पड़ रहा है। वही बात घूम फिर के आ जाती है, अगर इतनी खींचातानी चल रही थी तो क्या ये बेहतर नहीं रहता कि इन दो T20 मैचेस को बाद में कभी खिला लिया जाता? जी बिल्कुल प्रीति, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो अतुल कह रहे हैं या जो विजय भाई कह रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा सिचुएशन है कि अगर आपके प्लेयर्स में से किसी एक को, और ये कोई सपोर्ट स्टाफ या आउटसाइड वाला नहीं है, ये आपके टीम का कोर मेंबर है जो हडल में आपके साथ था, आपके साथ उसने हाईफाई किया, तो आपने कैसे चुना कि वो सिर्फ 8 ही खिलाड़ी हैं जो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में थे? अगर वो सब नेगेटिव आ गए हैं, अगर वो खेल सकते हैं, तो फिर वो आइसोलेशन में क्यों है, फिर आप उनको सीधा खिलाओ। तो जो प्रोटोकॉल है उसको बहुत कन्वीनियंट तरीके से मोड़ा गया है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आप क्या एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो। पहले ही वहां पर अर्जुना रणतुंगा कह चुके हैं कि ये श्रीलंका की बी टीम है, इंडिया की बी टीम खेल रही है श्रीलंका के ए टीम से जिसकी बुरी हालत है, अब इंडिया की भी बी और सी टीम खेल रही है श्रीलंका की टीम से, तो आप क्या एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर रहे हो? क्या सिर्फ रेवेन्यू खिलाने के लिए, नंबर ऑफ आवर्स पुट अप करने के लिए क्या आप अच्छा क्रिकेट खिला सकते हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है विवेक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस T20 सीरीज की अहमियत यह थी कि यहां से आपको खिलाड़ी चुनने थे T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगर इस तरह से सीरीज पूरी की जाएगी, किस तरह से आसानी से आजकल टीम इंडिया की कैप मिल रही है यंगस्टर्स को, आपने खुद एक सफर तय किया था टीम इंडिया में अपने आप को, जब आपने पाया उस सफर पर हर खिलाड़ी को नाज होता है। अब क्या ये जायज बात होगी कि आने वाले समय में साल डेढ़ साल में आप 100-200 खिलाड़ियों को ऐसे ही कैप बांट दें? वो नेट बॉलर्स बन के गए थे लेकिन आखिरकार प्लेइंग 11 में नजर आए। देखिए, अब मैं तो यही कहूंगा कि रुलाओगे क्या हमारे को, बिकॉज ये सवाल मेरे जैसे खिलाड़ी से पूछना बिल्कुल जायज नहीं है। और विजय आपको बताएगा, क्योंकि एक एक मैच के लिए पूरा पूरा साल तरस जाते थे, तो एक तरह से खुशी होती है कि एटलीस्ट ये लड़के जो है ये क्रिकेट को एक करियर मान सकते हैं। और मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है और डिमांड है और मार्केट है, ये इकोनॉमिक्स है, इसमें मेरा कुछ नहीं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत करके एक कैप या दो कैप ली और जिनको नहीं मिली, वो जब देखेंगे तो उनको लगेगा यार इतना आसान हो गया है इंडिया के लिए खेलना। तो ये थोड़ा बैलेंस हुआ है रिकॉर्ड को, अब जब आप देखेंगे तो कई लोगों को ये जो गैप है ये शायद समझना है। विजय, आप क्या कहेंगे ऐसे समय में जब ये कैप आसानी से बढ़ रही है, क्या उस कैप की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है? क्या जिस कहते हैं ना कि खिलाड़ी को अर्न करना होता है, कि आप प्लेइंग 11 में जब अपने आप को पाते हैं इसका मतलब आप पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को पा रहे हैं क्योंकि कोरोना का खतरा था, बाकी खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे, तो आपका नंबर आ गया। बिल्कुल, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था मिस्टर सुनील गावस्कर ने, उन्होंने भी यही कहा था कि टोपी मत बांटो हर एक को, ऐसे जो है जब उन्होंने देखा कि 5 डेब्यू हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से अतुल, आपके टाइम में भी अगर T20 होती तो मेरे ख्याल से 50 लोग खेल जाते एक ही सीरीज में, क्योंकि उस टाइम में बहुत टैलेंट था जो कभी खेल ही नहीं पाया भारत को। लेकिन अतुल का कहना ठीक है, ये तो वक्त का तकाजा है कि आप ऐसे हालात हैं जहाँ पे आपको नेट बॉलर्स ले जाने पड़ रहे हैं, और उनकी खुशकिस्मती है कि नेट बॉलर्स के लिए या जो बैट्समैन गए हैं कि जो मेन 11 के खिलाड़ी हैं वो कोई चोटिल हो रहा है या कोई कोरोना में पकड़ा जा रहा है। आपने ठीक कहा विजय, वक्त वक्त की बात है, कोई आज ये देख के खुश हो रहा है, कोई देख के पछता रहा होगा कि हमारे जमाने में ऐसा क्यों नहीं हुआ। अतुल, तो आप जैसे तैसे करके प्लेइंग 11 तो जुटा ली है भारतीय टीम ने जो मैदान में उतरने वाली है, आप मुझे ये बताइए कि इस प्लेइंग 11 के साथ क्या आज का मैच और कल का मैच जीता जा सकता है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि रणतुंगा ने कहा था कि क्यों भेजी इंडिया बी टीम, मुझे लगता है कि अगर अंडर 19 में जाए तो ये श्रीलंकन टीम का जो हाल है उनको टक्कर दे सकती है। और हमारे लड़के जो है वो T20 के तो मास्टर है, क्योंकि IPL के बाद दिल खुल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि टक्कर बिल्कुल होगी। श्रीलंका को तो ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अब अगर हार गए तो फिर देखिए कितनी उन्हें क्रिटिसिज्म मिलेगा। विजय, देखिए रणतुंगा का सपना साकार हो गया, आखिरकार बी ग्रेड टीम ही मिली है उन्हें श्रीलंका के खिलाफ, आप क्या समझते हैं ये जीत पाएंगे?
मुझे लगता है ये जो खिलाड़ी बाहर बैठ गए इसमें एक चीज होगी, मुकाबला बराबर का होगा अतुल, क्योंकि दोनों टीमें बराबर पे आ गई है, अब हमारे बेस्ट खिलाड़ी तो बाहर बैठे हैं, पर तो मुकाबला बराबर का होगा, आखिरकार टक्कर समान देखने को मिलेगी दोनों देशों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल और विजय आप दोनों का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।